अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन मुस्लिम ग्रुप अरकान पार्लियामेंट के दोहरे मयार से नाला, इस्लामोफोबिया के खिलाफ संजीदा इकदाम का मुतालबा। मुस्लिम ग्रुप का कहना है कि इसराइल पर तनकीद को साम दुश्मनी का रंग ना दिया जाए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मकबूलियत कम होने लगी। कैनेडियन ट्रूडो के बजाय किसी और को लिबरल्स का कायद देखने के ख्वाहिशमंद। सर्वे के मुताबिक 17% ने ट्रूडो की मुसलसल क़यादत की हिमायत की। कनाडा के शहर टोरंटो में जुमे को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वीकेंड तक बारिश जारी रहने का इम्कान। इतवार को दिन भर बारिश का 30 से 40% इम्कान है। अमरीका का मौसम गर्म। नेशनल वेदर सर्विस ने शहरियों को खबरदार कर दिया। जुनूब मगरबी रीजन शदीद गर्मी की लपेट में। मुख्तलिफ इलाकों के लिए गर्मी का अलर्ट जारी। हिजबुल्ला के इसराइल पर ड्रोन हमले और झड़प, सहयूनी फौजी हलाक। गजा में पनाह गुजीन कैंप पर इसराइली हमले में भारतीय मिजाइल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। हमले में इस्तेमाल मिजाइल पर मेड इन इंडिया का लेबल निकला। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. मुस्लिम ग्रुपों ने सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो कनाडा में इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने के लिए सख्त मेहनत करें और इसराइल पर तनकीद को साम दुश्मनी का रंग न दें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम ग्रुपों ने सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो कनाडा में इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने के लिए सख्त मेहनत करें और इसराइल पर तनकीद को साम दुश्मनी का रंग न दें। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से फ़लस्तीनी हामी रैलियों और वकालत की मजम्मत कर कनाडा में सूरत हाल तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स के सरबरा स्टीफन ब्राउन ने कहा कि कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी को कई महीनों से हमारे मुंतखब रहनुमाओं की जानिब से जो रद्द अमल मिल रहा है वो धोखा है। उन्होंने ऐवान की इंसाफ कमेटी को बताया कि सियासतदानों का फलस्तीनियों के हक में पुरअमन मुजाहरों में शिरकत के लिए लोगों को बदनाम करते हुए इम्तियाजी सलूक का मुतालबा करना मुतजाद है। एक जो कहता है कि वह हमारे तहफ़ुज़ात की परवाह करते हैं और दूसरा जो फौरन पीछे हट जाता है और मजीद गलत मालूमात फैलाता है और जानबूझकर पूरी कम्युनिटी को नफरत अंगेज और अदम बर्दाश्त वाले लोगों के तौर पर विलन करने की कोशिश करता है। ब्राउन के ग्रुप ने मेम्बरान पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि वो फलस्तीनी मुखालिफ नस्ल परस्ती की मजम्मत के लिए एक तहरीक मंजूर करें और इस बात पर जोर दें कि शहरी आज़ादियों का तहफ़ुज़ किया जाए जिसमें गैर मुल्की हुकूमतों पर तनकीद करने की सलाहियत भी शामिल है। साउथ एशियंस की खिदमत करने वाली एजेंसियों की कौंसिल ने यह भी कहा कि सियासतदानों ने ऐसे लोगों को बदनाम किया जो गजा की पट्टी में इसराइल की फौजी मुहिम की मुखालफत करते हैं जो गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास के वहशियाना हमले के बाद हुई थी। कैनेडियन शहरी अगले इंतखाबात में लिबरल्स की क़यादत करने के लिए वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के अलावा किसी और को तरजीह देने का इम्कान 3 गुना ज़्यादा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन चैनल की जानिब से किए जाने वाले एक नए नैनो रिसर्च सर्वे के मुताबिक कैनेडियन अगले इंतखाबात में लिबरल्स की क़यादत करने के लिए वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के अलावा किसी और को तरजीह देने का इम्कान 3 गुना ज़्यादा है। अब ताज़ा तरीन सर्वे के अदाद शुमार के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा कैनेडियन उसे जाते हुए देखना चाहेंगे इन लोगों के मुकाबले जो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो आने वाले मुहिम में लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की क़यादत करें। जब उनसे अगले वफाकी इंतखाबात और मौजूदा गवर्निंग पार्टी की क़यादत के बारे में सोचने के लिए कहा गया तो 56% जवाब दहंदगान ने 31 मई से 2 जून के दरमियान सर्वे किया गया
जिनका कहना था कि वो तरजीह देंगे कि लिबरल्स ट्रूडो के अलावा किसी और को सर पर रखें। सर्वे में शामिल सिर्फ 17% ने कहा कि उनके ख्याल में ट्रूडो को अगले इंतखाबात में लिबरल लीडर के तौर पर बरकरार रहना चाहिए। मजीद 18% ने कहा कि उनकी कोई तरजीह नहीं है, जबकि 8% गैर यकीनी है। ये तादाद हालिया बरसों में ट्रूडो के लिए कैनेडियन की हिमायत में मुसलसल लेकिन बतदरीज कमी को जाहिर करती है। दिसंबर 2022 में जब नोनोस रिसर्च ने इसी सवाल पर राय मांगी, 51% जवाब दहिंदगान ने कहा वो तरजीह देंगे कि लिबरल्स ट्रूडो के अलावा कोई और पार्टी की क्यादत करें। इस वक्त 25% ने ट्रूडो की मुसलसल क्यादत की हिमायत की। पिछले कई महीनों के दौरान कुछ लिबरल वफादारों ने अवामी तौर पर तजवीज़ दी कि ट्रूडो वजीर आजम क्यादत की दौड़ के लिए वक्त देने के लिए अपने बाहर निकलने की साजिश पर गौर करें, जबकि दूसरों ने क़यादत की कि कयास आरायों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अब भी महसूस करते हैं कि ट्रूडो लिबरल ब्रांड का हामिल है। इन तमाम बातों के दौरान ट्रूडो ने मुसलसल कहा कि वो अक्टूबर 2025 के आखिरी दिनों में बेल्ट बॉक्स में कदामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर के खिलाफ मुकाबला करने से पहले एक तरफ हटने का इरादा नहीं रखते। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड तक बारिश जारी रहने का इम्कान है और एतवार तक मजीद मौतदल दर्जा हरारत मुतवक्के है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड तक बारिश जारी रहने का इम्कान है और इतवार तक मजीद मौतदल दर्जा हरारत मुतवक्के है। इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है शहर में जुमे को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। माहरीन मौसमियात का कहना है कि ओंटारियो और क्यूबेक के कुछ हिस्सों पर एक ठंडा धचका घूम रहा है, एक बालाई माहौल की नशोनुमा जो सतह के दबाव को मशरक की तरफ जाने से रोकती है, जिससे बारिश का इम्कान बढ़ जाता है। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक जुमे को सुबह के वक्त मौसम आबरालूद रहने की तवक्को है और बारिश के 60% इम्कानात हैं और हवाएं मगरिब की तरफ 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमे को दोपहर के औकात में गरज चमक के साथ तूफान का खतरा होगा। ज़्यादा एतदाल पसंद दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जुमे की शाम बारिश का इम्कान 30% तक गिर जाएगा और दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। जुज़वी तौर पर अबर आलूद आसमान के दरमियान हफ्ते की सुबह दोबारा धूप निकलने की तवक्को है, लेकिन शाम तक बारिश के 40% इम्कानात की पेशगोई की गई है। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 21 सेंटीग्रेड और कम से कम 13 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। इतवार को दिन भर बारिश का 30 से 40% इम्कान है और ठंडा दर्जा हरारत मुतवक्के है जो 10 और 18 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। अमेरिका के जुनूब मगरबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए हैं। पारा 48.8 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका का जुनूब मगरबी रीजन इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। अमेरिका के जुनूब मगरबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। पारा 48.8 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हीट डोम नामी हाई प्रेशर सिस्टम के बायस मुतादित रियासतों में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद है। कैलिफोर्निया, एरिजोना, नेवाडा और टेक्सास के इलाकों के लिए गर्मी के अलर्ट जारी हैं। लास वेगास में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रवां साल पूरे कैलिफोर्निया और जुनूब मगरिब को शदीद गर्मी ने अपनी लपेट में लिया है। नेशनल वेदर सर्विस ने खबरदार किया है कि खत्ते के ज़्यादातर हिस्से में रिकॉर्ड दर्जा हरारत के साथ खतरनाक गर्मी की तवक्को है। नेशनल वेदर सर्विस ने शहरियों को खबरदार करते हुए आइंदा चंद रोज़ में दर्जा हरारत 48.8 डिग्री होने की पेशगोई की है। इस हफ्ते अमरीका के मगरबी हिस्से पर हीट डोम उतरने के बायस 34 मिलियन से ज़्यादा अमरीकी इंतहाई दर्जा हरारत का सामना करेंगे। रियासत नेवाडा के शहर लॉस वेगास और एरिजोना के शहर फैंक्स में दर्जा हरारत 43.3 डिग्री से ज़ायद हो सकता है। कैलिफोर्निया से वस्ती एरिजोना तक के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में होंगे। कैलिफोर्निया के डेथ वैली का दर्जा हरारत भी 48 डिग्री तक जाएगा। हिजबुल्ला की जानिब से इसराइल पर किए ड्रोन हमलों और झड़प में एक सहयूनी फौजी हलाक जबकि 7 शदीद जख्मी हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिजबुल्ला की जानिब से इसराइल पर किए ड्रोन हमलों और झड़प में एक सहयूनी फौजी हलाक जबकि 7 शदीद जख्मी हो गए हैं। गजा पर जारी इसराइली जारियत को 244 दिन गुजर गए और मासूम फलस्तीनियों पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। गजा पर इसराइली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है, जो कि मोदी की मुसलमान दुश्मनी का सबूत है। फलस्तीन में कायम अक्वामे मुत्तहदा के नसीरत में पनाह गुजीन कैंप पर इसराइली फौज ने बहिमाना बमबारी की, जिसके नतीजे में 40 मासूम फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमले में इसराइल ने भारतीय साख्ता मिजाइल से पनाह गुजीन कैंप को निशाना बनाया, जो कि मिजाइल पर लगे मेड इन इंडिया लेबल से वाज़े है। जनवरी 2024 में भारतीय दिफाई कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की जानिब से इसराइल को गोला बारूद और धमाका खेज मवाद फराहम किया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला की जानिब से शुमाली इसराइल में कस्बे हरफैश पर ड्रोन दागे गए, जिसके नतीजे में 7 फौजी शदीद जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक
بتائی جاتی ہے۔ سرحدی علاقے میں جھڑپوں کے دوران ایک صہیونی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لبنان سے گزشتہ روز شمالی اسرائیل کے قصبے حرفیش میں دو دھماکہ خیز ڈرون حملے ہوئے، ایک فوجی شمال میں ہلاک ہوا جہاں فوجی حزب اللہ کے ساتھ سرحدی جھڑپوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب عینی شاہدین کے مطابق حرفیش میں فٹ بال کے میدان پر ڈرون حملہ ہوا، کچھ لوگ ہلاک ہوئے لیکن ان کی شناخت کا ہمیں پتہ نہیں، جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فوج کی گاڑیاں موجود ہیں اور فٹ بال کے میدان سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے یہ ڈرون حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب وزیر اعظم نتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ لمبے عرصے سے جاری جھڑپیں جلد بڑھا دی جائیں گی۔ حملہ روکنے میں ناکامی اسرائیل کی انٹیلیجنس کے نظام کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ادھر ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنانی سرحد سے 3 کلومیٹر دور اسرائیل کے سرحدی علاقے میں اپنے اہداف کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ تازہ حملے میں کم از کم 7 اسرائیلی زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ جنرل ہرزی حلوی کا کہنا ہے کہ ہم حزب اللہ کے بارے میں فیصلے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی حملے کیے جا چکے ہیں، تاہم اس بار فوج اور دیگر متعلقہ ادارے پہلے سے اندازہ نہیں کر سکی اور لوگوں کو پناہ گاہوں کی طرف جانے کا نہ کہہ سکی۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔